दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। शारदा अपने पति किशोर के मरने पर बहुत रो रही थी और अपनी बहू नेहा के कंधे पर सर रखते हुए वो बहुत दुखी होकर बोलती है, हाय रे किशोर जी, क्यों चले गए मुझे छोड़ के? इस बुढ़ापे में इस बुढ़िया का एक आप ही तो सहारा थे, अब मैं कैसे जीऊंगी? माँ जी संभालिए अपने आप को, ससुर जी जहाँ भी गए होंगे खुश ही होंगे, क्योंकि उन्हें आपसे मुक्ति जो मिल गई। क्या बोला बहू? वो मेरा मतलब था कि कितना परेशान थे वो इस दर्द भरी जिंदगी से, अब फाइनली उन्हें मुक्ति मिल गई। शुगर के मरीज थे, कुछ खा भी नहीं पाते थे और मीठे के तो वो कितने शौकीन थे, अब मर गए हैं तो कम से कम चैन से ऊपर जाके जो दिल करेगा वो खा तो लेंगे। ये तो तूने सही कहा बहू, कितना रोकती थी मैं इनको मीठा खाने से ताकि जल्दी ऊपर न जाए, लेकिन फिर भी चले गए, अब तो मुझे मीठे से भी नफरत हो जाएगी। शारदा अपना दुख अपनी बहू के कंधे पर लेटकर बयान कर रही थी, तभी उसका बेटा अमन उसे समझाते हुए बोलता है, माँ क्यों रो रही हो? तुम पिताजी को रोते हुए विदा करना चाहती हो? अरे जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसको कौन रोक सकता है? ये सब कुछ दूर कोने में खड़ी एक काली सी परछाई देख रही होती है, जो मरे हुए किशोर के रूप में बदल कर बोलती है, मैं जब जिंदा था तब तो कोई कदर नहीं थी, ऊपर से मीठा खाने से भी रोकते थे, लो रोक के क्या उखाड़ लिया, मर तो मैं फिर भी गया, अब देखना मुझे शुगर की बीमारी के चलते मीठा नहीं खाने दिया था ना, अब मैं तुम सबको भी मीठा खिला खिला कर मरीज बना दूंगा। किशोर अपनी पत्नी शारदा के अंदर आता है, जिसके बाद उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है और वो अपने बेटे से बोलती है, नालायक नकारा, यहाँ ज्ञान मत दे, जाकर मेरे लिए 1 किलो काजू कतली लेकर आ। पर माँ अभी पापा की डेथ हुई है और तुम काजू कतली खाना चाहती हो? हाँ खानी है, लेकर आ चुपचाप, नहीं तो तुझे भी तेरे बाप के पास भेज दूंगी, चल जल्दी कर। अमन डर के मारे वहाँ से काजू कतली लेने चला जाता है, लेकिन शोक सभा में बैठे सभी लोग शारदा का ये रूप देखकर बातें बनाने लगते हैं। तभी किशोर शारदा के शरीर से निकल जाता है और शारदा बोलती है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के बस में थी, हे भगवान, पति के जाने का सदमा मेरे दिमाग पर लग गया है। दिमाग क्या, अभी तेरे दिल पर और शरीर पर भी लगेगा जब दिन रात मीठा खाएगी। कुछ देर में अमन अपनी माँ को मिठाई का डब्बा लाकर देते हुए बोलता है, लो माँ, तुमने मंगवाई थी ना काजू कतली, लो खा लो। पागल है, अरे शर्म नहीं है क्या? तेरे पिताजी को गए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और तू मुझे काजू कतली खिला रहा है, नलायक, ये कोई खुशी की बात है जो मिठाई लेकर आया है? खुद ही तो बोला था अपने राने को, हद है। झूठ, मैंने कब बोला? खुद ही का मन कर रहा होगा खाने का। शारदा के इतना बोलते ही किशोर वापस से उसके अंदर घुस जाता है, जिसके बाद शारदा अमन के हाथों से मिठाई छीनकर वहीं सब के सामने ठूसने लगती है। ये देखकर अमन नेहा से बोलता है, अभी कह रही थी कि ये कोई मीठा खाने का वक्त है और अब देखो। लगता है माँ जी को ससुर जी की मौत का गहरा सदमा लग गया है। बेचारे अमन और नेहा को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर शारदा को क्या हो गया है। कुछ दिन तो यूं ही गुजरते हैं, किशोर की आत्मा शारदा के शरीर में घुसकर आए दिन मीठा खाने की डिमांड करती। एक सुबह शारदा अपने कमरे से बाहर आकर नेहा को मिठाई खाता देखती है तो उसके पास आकर बोलती है, नेहा बहू, अगर खुद की पेट पूजा हो गई हो तो जरा मेरे लिए चाय बना के ला दे। नेहा के अंदर उसी वक्त किशोर आ जाता है, जो शारदा को अपने अंदाज में जवाब देता है, क्यों शारदा, अरे पूरा दिन बहू चाय बना, बहू नाश्ता बना, बहू खाना बना, यही करती रहती है, कभी खुद भी कोई काम कर लिया कर। बहू ये क्या, कैसे बोल रही है तू? तेरी आवाज तेरे ससुर जी जैसी कैसी हो गई? ससुर ही हूँ इसका, तो इसके जैसे ही आवाज होगी ना। और अब मेरा दिमाग मत खा, जाकर मेरे लिए चीनी वाली चाय बना कर ला। पर आपको तो शुगर की बीमारी थी ना, आप चीनी वाली चाय कैसे पी सकते हैं? चुप रह, अरे जीते जी तो मुझे मीठा खाने से रोका है, कम से कम मरने के बाद तो मत रोक, अब रोक के क्या करेगी, मरे हुए को मरने से रोकेगी? नहीं, अभी लाती हूँ। शारदा डरते हुए रसोई में चाय बनाने जाती है,
जहां वो अमन को कॉल करके सारी सच्चाई बता देती है। इतने में ही नेहा के शरीर में घुसा किशोर घर में रखी सारी मिठाई को चट कर देता है, जिसके बाद उसको पड़ोसन माया के घर से खीर की खुशबू आती है, तो वो वहां जाकर बोलता है, अरे माया बहन जी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आपने मेरी फेवरेट खीर बनाई है। अरे नेहा बहू, तुम ये आवाज बदल के क्यों बोल रही हो, अपने ससुर की नकल कर रही हो? अरे मैं किशोर ही हूँ, आप भी ना। अरे आपकी खीर की खुशबू तो मेरे घर से खींच ले आती थी, मुझे भूल गई? क्या कहा किशोर, आप तो मर गए थे ना? अरे तो क्या हुआ, मैं मर के भी आपकी खीर खाने लौटा हूँ, देख लो मेरा और आपका प्यार कितना गहरा है। क्या मतलब? मतलब आपकी बनाई खीर से प्यार, आप भी ना माया जी। बेचारी माया डर के मारे बेहोश ही हो जाती है। तभी उसके घर में अमन और शारदा आकर नेहा को माया को उठाते हुए देखते हुए बोलते हैं, हाय हाय अमन, देख तेरे पिताजी की आत्मा ने माया बहन जी को मार दिया, अब क्या होगा, इनको तो जेल होगी। नहीं नहीं, मेरी बहू को जेल होगी, वो अंदर चली जाएगी। ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने तो बस खीर मांगी थी और इतने में ही बेहोश हो गई, मरी नहीं है। मार कर भी चैन नहीं मिला आपको, खीर खाने वापस चले आए, चलो अभी घर। शारदा और अमन नेहा को लेकर आते हैं, जहां पर नेहा के अंदर से किशोर निकलकर अपनी डरावनी शक्ल सबको दिखाते हुए बोलता है, तुम ना हमेशा से ऐसी ही हो, मुझे खीर तो खाने देती कम से कम, माया जी ने मेरे लिए खीर बनाई थी इतने प्यार से। अच्छा तो तभी टपके हो तुम, अरे शुगर के मरीज के लिए मीठा जहर होता है, इसलिए तुमको रोकते थे, लेकिन नहीं, तुमको तो छुप छुप के खाना होता था, देख लिया नतीजा। हाँ तो क्या हुआ, कम से कम उन्होंने मेरी मीठा खाने की ख्वाहिश को अधूरा तो नहीं छोड़ा। ए भगवान, ये आदमी मीठा खाने के लिए आत्मा बनकर भटक रहा है। सच सच बताना, उस दिन तुम्हारी शोक सभा में तुम्ही ने वो काजू कतली मंगवाई थी ना? हाँ तो क्या करता, मुझे मीठा खाने का मन करता था, तुम खाने ही नहीं देती थी और मेरी मौत हो गई, अब ये इच्छा अधूरी थी, इसीलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली, इसीलिए अब मुझे जल्दी कुछ मीठा खिला दो। अपनी सास और आत्मा बने ससुर को ऐसे बातें करते हुए और लड़ता देखकर बेचारी नेहा तो हैरान थी। वो अपने पति अमन को धीरे से बोलती है, अरे सुनो, माँ जी को तो ससुर जी की आत्मा से भी डर नहीं लगता, देखो कैसे बातें कर रही हैं जैसे वो जिंदा हो। अरे पत्नियों के सामने तो जिंदा पति की कोई औकात नहीं होती, पापा जी तो फिर भी निकल लिए हैं। पर हमें पापा जी की आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ तो करना होगा। हाँ ये तो तुमने सही कहा। अमन अपने पिता की आत्मा से उनकी मुक्ति का मार्ग पूछते हुए बोलता है, पापा आप कब तक यूं आत्मा बनकर भटकते रहेंगे, आपकी मुक्ति का कोई रास्ता तो होगा ना? तू मुझे आत्मा बनकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्या? ऐसी बात नहीं है पिताजी, मृत्यु के बाद अगर आप ऐसे ही भटकते रहेंगे तो आपका दूसरा जन्म नहीं होगा, फिर आप हमेशा मीठा खाने से दूर ही रहोगे, मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रहा था। पहली बार तूने कुछ अच्छा बोला, वैसे भी मैं मरने के बाद भी तेरी माँ की शक्ल नहीं देखना चाहता, इसीलिए जल्दी से मेरी मुक्ति का रास्ता ढूंढ कर तुम मुझे मुक्ति दे दो, ताकि एक नए शरीर के साथ मैं मीठा खाने की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। किशोर के ऐसा कहने पर नेहा, अमन और शारदा अपने खानदानी पंडित को सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद पंडित जी किशोर के नाम की शादी पूजा करने को कहते हैं, साथ ही उसके नाम पर 10 किलो अलग अलग मिठाई भी दान करने को बोलते हैं, क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश ही यही थी कि वो मीठा खाना चाहता था। पंडित जी के कहे अनुसार 2 दिन बाद शारदा, अमन और नेहा के हाथों शांति पूजा करवाकर 10 किलो मिठाई का दान करवा देते हैं, जिसके बाद किशोर को एक दिव्य ज्योति आसमान से लेने के लिए आती है और वो जाते जाते शारदा से बोलता है, अरे सुनो, मैंने तुम्हारे शरीर में रहकर बहुत मीठा खाया है, इसीलिए अपना चेकअप करवा लेना, अगर तुमको भी शुगर हुई तो मैं तुम्हारे ऊपर वेट करूंगा। नहीं, बेचारी शारदा अपने पति को पूरी जिंदगी मीठा खाने से रोकती है, पर उसकी सजा में किशोर उसको ही शुगर का मरीज बनाकर निकल जाता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।